ओके सिट डाउन। चलिए आज हम लोग लेसन टू में आवर होम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे, पीछे से आप रिपीट कीजिएगा, बोलिए माई ब्रदर कह रहा है कि माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक। मेरा भाई क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। बट यानी लेकिन माई सिस्टर इज प्लेइंग विथ हर ब्यूटीफुल डॉल। ब्यूटीफुल मतलब समझते हैं सुंदर, किसी सुंदर चीज को क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। डॉल मीन्स क्या होता है? गुड़िया। तो उसकी बहन जो क्या कर रही है? गुड़िया के साथ खेल रही है। एक सुंदर सी गुड़िया के साथ क्या कर रही है? खेल। अब ये देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, माई ब्रदर इज रीडिंग अ बुक बट माई सिस्टर इज प्लेइंग विथ हर ब्यूटीफुल डॉल। मेरा भाई क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, लेकिन मेरी बहन क्या कर रही है? गुड़िया के साथ खेल रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है माई सिस्टर इज अंडर ट्री सो सी डज नॉट। उसकी बहन जो है ना पेड़ के नीचे, अंडर ट्री यानी पेड़ के नीचे बैठ करके खेल रही है, इसलिए वो कहाँ नहीं जाती है? स्कूल नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन देखो फिर नेक्स्ट बताता है कि माई ब्रदर इज इन क्लास फाइव। क्लास मीन्स क्या होता है? कक्षा। क्लास मीन्स। अब उसका भाई जो है, मेरा भाई किस कक्षा में पढ़ता है? पांच में। किस में पढ़ता है? फाइव में। ही गोज टू स्कूल एवरीडे। वो एवरीडे मीन्स होता है प्रतिदिन। वह क्या जाता है? स्कूल प्रतिदिन जाता है, ठीक है। अब इसमें ये था, इस स्टोरी में जो पहले का हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है उसमें है कि एक फैमिली है, वो उसके फादर जो है सोफे पे बैठे हुए हैं, उसकी मदर चेयर पे बैठी हुई है और उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है ना, आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ ये था कि उस लड़की का भाई क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। बहन किसके साथ खेल रही है? गुड़िया के साथ। बहन किसके साथ खेल रही है? हाँ। और बहन जो है पेड़ के नीचे बैठी हुई है, गुड़िया के साथ खेल रही है, वो स्कूल नहीं गई है, लेकिन उसका भाई जो है प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो प्रतिदिन स्कूल आना अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है ना। और उसका भाई किस क्लास में पढ़ता है? फाइव। तो इसमें स्टोरी में यही था, आवर होम, अपने घर के बारे में बताया है, भाई बहन के बारे में बताया गया है कि वो लोग किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। ये स्टोरी समझ में आई आप लोगों को? ओके, थैंक यू।